टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। टाटा मोटर्स ने जब इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अनबिल किया तो मैं बहुत इंतजार कर रहा था इस गाड़ी का ईवी वर्जन कब अनबिल होगा। तो फाइनली टाटा वाले इस गाड़ी का ईवी वर्जन इंडियन मार्केट में अनबिल कर दिया है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो 21,000 टोकन अमाउंट से इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले इस गाड़ी के इंटीरियर, एक्सटीरियर या तो इस गाड़ी में क्या फीचर मिलेगा, कितनी वेरिएंट मिलेगा, डिटेल में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक सब्सक्राइब का बहुत ही ज़रूरत है मेरे को। तो चलिए गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी का वेरिएंट की। इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट मिल जाती है इलेक्ट्रिक वर्जन में। अगर मैं इस गाड़ी का डिज़ाइन की बात करूँ तो सेम डिज़ाइन आपको मिल जाती है, जैसे पेट्रोल वेरिएंट या तो डीजल वेरिएंट, सेम डिज़ाइन आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक वर्जन में। थोड़ा बहुत आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल सकता है, जैसे इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है, जो इलेक्ट्रिक वर्जन का टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें आपको कनेक्टिंग LED DRL देखने को मिलेगा, जो आपको पेट्रोल वेरिएंट में नहीं मिल रहा था या तो डीजल वेरिएंट में नहीं मिल रहा था, वो आपको इलेक्ट्रिक टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी का टेल लाइट भी आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इस गाड़ी में क्या फीचर मिलने वाला है या तो क्या नया आने वाला है इस गाड़ी में। इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन का बेस वेरिएंट आती है क्रिएटिव प्लस। तो चलिए देख लेते हैं इस गाड़ी का बेस वेरिएंट में क्या कुछ फीचर मिल जाती है। ऑल LED लाइट्स, 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाती है, ABS प्लस EBD पेडल शिफ्टर भी आपको मिल जाती है स्टैंडर्ड, बेस वेरिएंट से आपको मिल जाती है। 7 इंची का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7 इंची का आपको डिजिटल इंटरमेंट क्लस्टर भी मिल जाती है। और बेस वेरिएंट से आपको 2 स्पोक स्टार्टिंग व्हील मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, पुश स्टार्ट बटन। बेस वेरिएंट में भी आपको ड्राइविंग मोड मिल जाती है, जैसे इको, स्पोर्ट और सिटी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल RPM और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल टेलगेट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट और 3.3 किलोवाट की चार्जर मिल जाती है। और साथ ही में आपको स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी जैसा फीचर आपको मिल जाती है बेस वेरिएंट में भी। अगला वेरिएंट आते हैं फेयरलेस। आप इस वेरिएंट को मिड वेरिएंट भी कह सकते हैं। इस वेरिएंट से आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलना स्टार्ट हो जाती है, LED टेल लाइट, सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाती है, फॉग लैंप मिल जाती है कॉर्नर फंक्शन के साथ, 16 इंची का एलो होल मिल जाती है, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंटरमेंट क्लस्टर मिल जाती है, जो आपको बेस वेरिएंट में 7 इंच का मिल रहा था लेकिन इस वेरिएंट में आपको 10.25 इंच का ही मिल जाती है। और इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर भी मिल जाती है, रिवर्स वॉशर एंड वाइपर, टाइप सी चार्जर भी मिल जाती है, रियर AC वेंट और ऑटो होल्ड, रियर डिस्क ब्रेक। और इस वेरिएंट से आपको 7.2 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, फ्रंट आर्मरेस्ट वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प और वॉइस कमांड और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसा फीचर आपको मिल जाती है इस वेरिएंट में। चलिए बात करते हैं टॉप वेरिएंट की। टॉप वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिल जाती है। वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन लाइट मिल जाती है, चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाती है, 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर, 1 ऊपर मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, एरीफायर, डे नाइट वॉरबे मिल जाती है, लेदरेट सीट, फ्रंट वेंटिलेटर सीट मिल जाती है और 60x40 रियर सीट फोल्डेबल और रियर आर्मरेस्ट मिल जाती है। और साथ ही में आपको बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम मिलती है। पहले के वेरिएंट में आपको 10.25 इंच का मिल रहा था लेकिन इस वेरिएंट में आपको 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाती है। तो गाइस ये थी टाटा नेक्सॉन EV की मिलने वाला सभी फीचर। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाला बैटरी की। इस गाड़ी में आपको 2 तरह की बैटरी मिल जाती है। 30 किलोवाट की छोटा एक बैटरी मिल जाती है जो रेंज क्लेम करता है 325 किलोमीटर, और एक दूसरा बड़ा बैटरी मिल जाती है 14.5 किलोवाट की जो रेंज क्लेम करते हैं 465 किलोमीटर। साथ ही में इस गाड़ी में आपको नॉर्मल और फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी मिल जाती है। तो गाइस इस गाड़ी में जो कुछ भी मिलने वाला था टाटा मोटर्स ने सब कुछ रिवील कर दिया, सिर्फ बाकी रहा प्राइस। तो 14 सितंबर को इस गाड़ी का प्राइस रिवील होगा। अब देखने वाली बात होगी ये किस प्राइस पे ये गाड़ी मिलती है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।